गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता मैम आपकी संस्कृत की टीचर। आज बच्चों में पंचम पाठा स्फुट पद्यानी के श्लोक का अर्थ समझाऊंगी। काक कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। कौआ काला है, कोयल भी काली है, कोयल और कौवे में क्या अंतर है? ये तब पता चलता है जब वसंत ऋतु आती है, वसंत का समय आता है और कौआ और कोयल जब अपनी स्वर को दर्शाते हैं, जब अपनी आवाज़ प्रकट करते हैं, तब दोनों में भेद मालूम होता है। संदिग्धे परलोके अपि कर्तव्य धर्म संचय नास्ति चेन नास्ति नो हानि अस्ति चेन नास्ति को हल। परलोक में संशय हो, परलोक में संशय हो तो पुण्य का संचय करते चलो, अगर परलोक नहीं है तो आस्तिक का तो कोई नुकसान नहीं होगा, आस्तिक का तो कोई नुकसान नहीं है, और कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। आगच्छन्ति यदा आगच्छति यदा लक्ष्मी नारी केल फलाम्बुवत् निर्गच्छन्ति निर्गच्छति यदा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्थवत्। जब लक्ष्मी आती है तो नारियल के फल के समान आती है, और जब लक्ष्मी हाथी द्वारा खाए हुए केथ नामक फल की भांति जाती है, निर्गच्छन्ति जाती है। एके नापि सुपित्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम् सहेव दशभी पुत्रे भारम वहति गर्दभी। शेरनी का एक पुत्र हो तो वह बिना डर से निर्भयता से सो जाती है, पर 10 पुत्र होने पर भी गर्दभी अर्थात गधी भार ही उठाती है। शेरनी का एक पुत्र होता है तो वह निर्भय होकर सो जाती है, आराम करती है, परंतु गधी या गर्दभी के 10 पुत्र होने पर भी वह भार ढोती है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मण क्षिप्रम क्रियमाणस्य काल पिबति तदरसम। लेन देन और करने योग्य कार्य जिसको हम कर्तव्य कहते हैं, यदि तुरंत नहीं कर लिया जाए तो समय उसका आनंद पी जाता है, अर्थात इंसान को उस कार्य का फल समय पर नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा कार्य को समय पर ही समाप्त कर लेना चाहिए। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेन्तासी कौन विज्ञातु महति। असाधारण पुरुष अर्थात महापुरुष के वज्र से भी कठोर, असाधारण पुरुष जो साधारण नहीं होते महान होते हैं, ऐसे महापुरुष के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त को मन को भला कौन नहीं जान सकता, यानी सभी लोग उनको जानते हैं। धन्यवाद।